नगर निगम चुनाव टलने के बाद तैयारी कर रहे नेताओं के उत्साह में कमी देखी जा रही है। जहां एक महीने पहले तक सब नेता जनसंपर्क तेज किए थे और लोगों को पार्टियां दे रहे थे, वहीं अब ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी के नेता कुमार नारायण, जो महापौर की तैयारी कर रहे थे, मनोज तिवारी टॉक शो को बताया कि जनता के उत्साह में कमी नहीं है, पार्टी लगातार तैयारी कर रही है और दमदारी से चुनाव लड़ाएगी। नहीं, ऐसा तो कहीं से नहीं लग रहा है। भाजपा लगातार चुनाव को लेकर कार्य कर रही है, लगातार बैठकें हो रही हैं और ऐसा कहीं से भी नहीं है कि चुनाव टलने की वजह से उत्साह खत्म हुआ है। हाँ ठीक है, थोड़ा समय लग रहा है, पूरी दमदारी से जो भी लोग लड़ेंगे भाजपा उसको लड़ाएगी। चुनाव टालने से जोश में कमी के सवाल पर बीजेपी नेता ने कहा कि टालने से दावेदार निश्चित नहीं है कि सीट किस तरह की रहेगी, यही वजह है कि लोग प्रयास कम कर रहे हैं, लेकिन लगातार क्षेत्र में बने हुए हैं। लोगों को यह नहीं लग रहा है कि जिस सीट के लिए वे तैयारी कर रहे हैं वह वही रहेगी या बदलेगी। अब दावेदार, दरअसल इस समय समस्या ये है कि सीट क्या आती है उस पे लोग थोड़ा सा वो हैं कि जनरल रह जाती है, बैकवर्ड है या एससी होती है। ये तय हो जाए उसके बाद उत्साह फिर से आपको वही दिखेगा, तय हो जाएगा कौन लोग लड़ने के स्थिति में हैं, इसलिए थोड़ा सा अभी है। कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी नेता को लगता है कि किसी तरह से समीकरण नहीं बदले और नगर निकाय चुनाव में बीजेपी की जीत होगी। मामला कोर्ट में जो भी निर्णय आएगा उसका स्वागत करेंगे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, देखिए क्या होता है। इसमें भी हम लोग कुछ नहीं बोल सकते, मामला कोर्ट में है, जो निर्णय आएगा उसका हम लोग स्वागत करेंगे। एक सवाल के जवाब में बीजेपी नेता कुमार नारायण ने कहा कि ओबीसी आरक्षण को बचाने के लिए ही सरकार कोर्ट गई, नहीं तो सरकार के मन में कोई किसी तरह की बात होती तो हाई कोर्ट के फैसले के बाद ही चुनाव करा लिए जाते, लेकिन बीजेपी ही ओबीसी आरक्षण देना चाहती है, इसलिए अब आरक्षण के साथ ही चुनाव होगा। अरे, अगर निराशावादी रवैया होता तो काहे सुप्रीम कोर्ट जाती है हमारी पार्टी। हमारी पार्टी सुप्रीम कोर्ट ओबीसी के लिए ही गई है, तो ये तो आपका सवाल ही गलत है यहाँ पर। बीजेपी नेता को लगता है कि जिस तरह से बसपा और एआईएम ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं उससे बीजेपी और मजबूत हुई है और प्रयागराज का मेयर बीजेपी का ही होगा। 500% बचा लेगी, क्योंकि इस समय विकल्प ही नहीं है किसी पार्टी के पास। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं अन्य पार्टियां जो घोषणा कर रही हैं, बसपा ने किया, आज एआईएम ने किया, तो उससे भाजपा को बहुत लाभ मिलने जा रहा है और निश्चित तौर पर भाजपा जीतेगी। अपने मेयर के सवाल पर कुमार नारायण ने कहा कि उनकी तैयारी है और पार्टी का जो फैसला होगा वो मान्य होगा। अब ये सवाल ही आपका अटपटा है, इस पर कैसे मैं कुछ कह दूँ। जब तक सीट का निर्धारण नहीं होता है, जब तक पार्टी पार्टी अपना प्रत्याशी नहीं देती है, तब तक कैसे कह दें कि कुमार नारायण मेयर बनेंगे। हाँ, अपना प्रयास जरूर करेंगे कि हाँ हमें टिकट मिले, मैं लड़ूं, अगर जनरल सीट रहती है तो। अब चुनाव टला है, सब नेता लोग कोर्ट के निर्णय का इंतजार कर रहे हैं, लोगों को और समय मिल गया है तैयारी करने का। देखते हैं परिणाम क्या होता है और कौन होता है महापौर प्रयागराज का। तब तक के लिए देखते रहिए मनोज तिवारी टॉक शो।